नमस्कार दोस्तों, ओल्ड इंफो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं चित्राम। दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा आपको, ये आप देख रहे हो ये कार्ड है और यहाँ एक सप्लाई है और एक सप्लाई है और यहाँ एक सप्लाई है और यहाँ सप्लाई है। अब मैंने आप देख रहे होंगे ये मैंने आपको क्यों दिखाया, किस लिए दिखाया। आज बात करते हैं दोस्तों, मात्र 25 रुपये में हम एक फुल HD सेट टॉप बॉक्स बनाएंगे। तो सबका सवाल यह होगा कि हम फुल HD सेट टॉप बॉक्स मात्र 25 रुपये में कैसे बना सकते हैं, भाई आप कैसे बना के दिखाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे, पूरा सोचोगे, तो ओनली आप मात्र 25 रुपये में एक फुल HD सेट टॉप बॉक्स बना सकते हैं। लेकिन मैन होता है वीडियो पूरा देखो और दिमाग आपको लगाना है कि किस तरह से बनेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो हम फील्ड में काम करते हैं, आप भी फील्ड में काम करते हो, किसी कस्टमर के हम जाते हैं, वहाँ आपका मान लो MP2 सेट टॉप बॉक्स होगा या MP4 सेट टॉप बॉक्स होगा, तो वहाँ उनका सेट टॉप बॉक्स ख़राब हो जाता है या हमारा कुछ सेट टॉप बॉक्स ख़राब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस सेट टॉप बॉक्स में एक होता है आपका कार्ड होता है और एक होती है पावर सप्लाई। दो आइटम होते हैं, रिमोट होता है, रिमोट आपको मार्केट में मिल जाता है, लेकिन ये दो चीज़ें होती है, कार्ड और पावर सप्लाई। ये दोनों चीज़ अगर मार्केट में आपको मिल पाती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि कई बार बाज़ार से भी लाते हैं, लगाते भी हैं, किसी का वीडियो भी देखते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता और हम सोचते हैं कितना चक्कर क्यों करें हम नया सेट टॉप बॉक्स ले आएँ। अगर आप फील्ड में काम करते हो तो दोस्तों आपके लिए पूरा वीडियो बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर इस तरह से अगर आप रहोगे तो काफ़ी पैसा भी कमा सकते हो और आप 25 रुपये में सेट टॉप बॉक्स भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, कस्टमर के हम जाते हैं, कस्टमर के जाने के बाद में उनका कोई सेट टॉप बॉक्स ख़राब होता है तो हम यहाँ नया सेट टॉप बॉक्स इंस्टॉल कर देते हैं कस्टमर के। अब मैन होता है कस्टमर का जो पुराना सेट टॉप बॉक्स, पुराना सेट टॉप बॉक्स कस्टमर के लिए तो एक कचरा है, बेकार है, वो पुराने सेट टॉप बॉक्स को कबाड़ी को दे देगा, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कस्टमर को आपको संतुष्ट करना होगा कि आपने नया सेट टॉप बॉक्स लगाया। अब जो कस्टमर का जो पुराना सेट टॉप बॉक्स है वो कस्टमर के लिए कचरा है, तो आप कोशिश ये करो कि कस्टमर को आप इस तरह से टैकल करो, हैंडल करो कि वो जो पुराना सेट टॉप बॉक्स है आप कस्टमर से ले लो। कस्टमर से अगर आप डायरेक्ट मांगोगे कि आपका पुराना सेट टॉप बॉक्स मुझे दे दो, तो कस्टमर के ये फील होगा कि ये हमारा सेट टॉप बॉक्स सही है और ये मांग रहा है। लेकिन उसको डायरेक्ट ऐसा मत कहो कि आपका सेट टॉप बॉक्स मुझे दे दो, उसको ऐसे बोलो सर अगर आप पुराना सेट टॉप बॉक्स देना चाहो तो मात्र 25 रुपये में आपका रिटर्न हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसे कबाड़ी को बेचोगे तो 5-10 रुपये मिलेंगे, लेकिन यहाँ हमारे पुराने सेट टॉप बॉक्स की मात्र 25 रुपये वैल्यू है। अगर आपको अच्छी कंडीशन में बॉक्स दिखे तो 25-30 रुपये में आप परचेज कर लो और कस्टमर आराम से ये कहेगा मैं अभी कबाड़ी को दूंगा तो 10 रुपये का बिकेगा, 15 का बिक जाए, क्योंकि मात्र 500 ग्राम आधे किलो वजन भी नहीं है, लेकिन वो आपको 25 रुपये में दे देगा। अब MP2 बॉक्स होगा और MP4 होगा तो 25 रुपये के अंदर दोस्तों आपको पुराना सेट टॉप बॉक्स डेढ़ मिल गया। आपने डेढ़ ले लिया तो कई सेट टॉप बॉक्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी भी बिल्कुल फिक्स होती है। हमारा जो सेट टॉप बॉक्स होता है उसमें एक कार्ड हुक ख़राब होता है या पावर सप्लाई ख़राब होती है। आपने ऐसे 2-3 सेट टॉप बॉक्स परचेज कर लिए तो आप किसी का ये तो है नहीं कि दोनों चीज़ें एक साथ ख़राब होगी, एक ही चीज़ ख़राब होगी, या तो कार्ड होगा या पावर सप्लाई होगी। आप खुद वीडियो देखो, प्लेलिस्ट पे वीडियो हैं काफ़ी सारे हैं, दिमाग लगाओ। अगर आपका कार्ड ख़राब है तो दूसरा कार्ड आप सेट टॉप बॉक्स का चेंज करके देख लो, आपका बिंदास चलेगा। कार्ड में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक जैक लगाना होता है, कोई सोल्डिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। सप्लाई में आपको सोल्डिंग करने की जरूरत होती है, जो भी एक की जो पावर का है वहाँ पे सोल्डिंग करने की जरूरत होती है, और कुछ भी जो सोल्डिंग की जरूरत नहीं होती। आप कस्टमर का पुराना सेट टॉप बॉक्स ले लोगे मात्र 25 रुपये में, तो आप अगर कंडीशन अच्छी है तो उस सेट टॉप बॉक्स को आप उल्टा सीधा रिपेयर करो, जिसकी कोई पावर सप्लाई ख़राब है तो पावर सप्लाई आप उसमें डाल दो, और अगर किसी का कार्ड ख़राब है तो किसी का कार्ड उसमें डाल दो, क्योंकि आपने तो 25 रुपये का ही ख़रीदा ना। उस सेट टॉप बॉक्स को आप तैयार करके किसी कस्टमर को आप लगा दो, नया सेट टॉप बॉक्स आपको 400-500 रुपये मिलेगा। अगर उस सेट टॉप बॉक्स को आप किसी कस्टमर के 300 रुपये में भी आपने उसको लगा दिया, 250 में भी लगा दिया, तो आपको 25 रुपये के खर्चे में 250 रुपये तो मिल पाए ना।
दिमाग लगाओ, 250 तो मिल गए ना, आपने तो ओनली 25-25 रुपये खर्च किए। उसमें दोस्तों आपको कार्ड भी अच्छा मिल सकता, सप्लाई भी अच्छी मिल सकती है, आगे की बॉडी भी अच्छी मिल सकती है, पूरा फ्रेम भी अच्छा मिल सकता। दोस्तों मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करो, क्योंकि दोस्तों इस तरह से अगर आप कोशिश करोगे, पुराना सेटअप बॉक्स लोगे, तो आप 2 पैसे कमा सकते हो उस सेटअप बॉक्स के अंदर। किसी का आपने चेक कर लिया इसकी सप्लाई है, तो किसी का आपका सेटअप बॉक्स खराब है, तो उस सप्लाई को उस सेटअप बॉक्स में लगा दो, कस्टमर को बोलो 150 रुपये लगेंगे, तो वो 25 रुपये का जो सेटअप बॉक्स है आपको 150 रुपये तो दे गया ना। दिमाग लगाओ, 25 रुपये का जो आपने परचेज किया सेटअप बॉक्स, वो आपको 150 रुपये दे गया। अगर मान लो उसका कार्ड आपको सही निकल गया, कार्ड सही निकल गया, तो उस कार्ड को आप 200 रुपये में किसी के सेटअप बॉक्स में लगा दो कस्टमर के, तो आपको 200 रुपये तो उसके मिल गए ना, खरीदा तो आपने 25 रुपये ने। तो ऐसा दोस्तों छोटी छोटी ट्रिक होती है जो मैं यूज करता हूँ, वही दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से अगर आप फील्ड में काम करते हो और 2 पैसा कमाना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों जो मैंने बताया इस तरह से आप हैंडल करो, और कस्टमर का पुराना सेटअप बॉक्स आप ले सकते हो, क्योंकि कस्टमर आराम से आपको 25-30 रुपये में पुराना सेटअप बॉक्स दे देगा, राजी राजी देगा, क्योंकि वो ये कहेगा मेरे किस काम का, मैं तो कचरे में फेंकूंगा, कचरे वाला ले जाएगा, 5-10 रुपये देगा, आप 25 रुपये तो दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी, तो आप 2 पैसे ज़्यादा भी लगा सकते हो। आपको लग रहा है इस सेटअप बॉक्स में 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो आप कर दो। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कुछ समझ आती है, तो आप मुझे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना और वीडियो को लाइक करना और भी आपके भाई को बताना, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के कुछ सीखे, कुछ 2 पैसे कमाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना मिले, ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी मिले। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पूछना, कुछ आपके सवाल है, तो मुझे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।